हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में भौतिकी के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और इसी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से ही आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। तो इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लोहा से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ये सुचालक पदार्थ होगा। सोना से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ये भी सुचालक पदार्थ होगा। ग्रेफाइट से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ये भी सुचालक पदार्थ होगा। लेकिन यहाँ पे कागज से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो यहाँ पे कागज विद्युत रोधी पदार्थ होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है ये किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है ये टंगस्टन से बना होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। और कूलम्ब को सी से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गर्म तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो ठंडा तार होता है इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो अर्थ तार होता है ये हरा रंग का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छः नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो स्नेल का नियम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्नेल का नियम होता है sin I/sin R, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस
प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो ए मीटर या आ मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो विभवांतर को मापा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दस नंबर प्रश्न है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन अभिसारी लेंस है, तो जो उत्तल लेंस होता है ये अभिसारी लेंस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है ये अपसारी लेंस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण कितना का होगा, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है वो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। भौतिकी के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने ज्ञात किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी बोला जाता है, तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और इसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है और इसे हम पर्दे पे उतार सकते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो जो आकाश होता है वो काला दिखाई देता है। और काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, और जब वायुमंडल नहीं होता है तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसीलिए जो आकाश है वो चंद्रमा पे खड़े होकर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु अनंत होता है, क्योंकि जो सूर्य है वो अनंत में है और जो हम तारा देखते हैं वो भी अनंत में है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। तो अस्पष्ट देखने का दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। और न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है ये जिलेटिन का बना होता है मानव नेत्र में, और उत्तल लेंस क्या होता है कि दोनों किनारों पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो अवतल लेंस होता है ये दोनों किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को, यहाँ पे देखिए ए मीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और चालकता का एसआई मात्रक महो होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जैसे सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, तो इन सभी का अपना प्रकाश होता है, तो ये प्रदीप्त हुआ। और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है वो अदीप्त होता है, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, तो इनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो ये उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। और जिनका खुद का
यानी अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन जो होता है ये सबसे अधिक होता है। और किसका विचलन कम होता है, तो लाल रंग का विचलन कम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये एक चुंबक है तो इसका कितना ध्रुव होगा, तो चुंबक का 2 ध्रुव होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं, तो सीएनजी का उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कौन बिना ज्वाला का जलता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बिना ज्वाला का जलता है, तो जब हम कोयला को जलाते हैं तो इसमें से ज्वाला नहीं उत्पन्न होता है, जैसे ऐसे बाहर निकलता है ज्वाला, तो इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दिष्ट धारा यानी डीसी करंट कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिसका धारा का मान बदलते रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि किसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, तो एलपीजी का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी एक अच्छा ईंधन है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो यहाँ पे लाल रंग दिखाई देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैंगनी रंग दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर।
37 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में विभवांतर को हम किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और ए मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है या चुंबक में आके सट जाता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे लोहा क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ होगा, ये चुंबक में सट जाता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कार्निया वाला भाग दान में दिया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्लास्टिक का उपयोग होता है, पानी का उपयोग होता है, कांच का उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे भौतिकी के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उसे आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, तो इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पे ये खुल रहा है, हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुका है। अगर आपको टेस्ट देना है तो यहाँ से आप लोग टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर आपको पता करना है कि 2023 में कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए किस विषय से कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा और कितना सब्जेक्टिव रहेगा और कितना बनाना रहेगा, अगर उसको आपको पढ़ना है तो यहाँ पे इसको क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे सभी विषयों का PDF है, तो इस पर क्लिक करके आप सभी विषयों का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, और जैसे ही टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले आपको आज के डेट में सबसे ऊपर वाला टेस्ट लगाना है, क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 258 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 19 क्वेश्चन हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पे कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे देखिए एक सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे, तो एक मंगमा थी, एक उसका बेटा था, और उसकी बेटे की एक पत्नी भी थी, और बेटे का एक लड़का भी था, यानी टोटल कितना था यहाँ पे, मंगमा के परिवार में 4 लोग थे, तो यहाँ पे 4 पे टिक करेंगे तो देखिए सही हो गया। अगर गलती करते तो रेड हो जाता, तो यहाँ पे देखिए हम गलत कर रहे हैं। यहाँ पे सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, लेकिन हम व्यापार पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया। और जो सही आंसर है वो आपको ऐसे ही बता देगा, तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा। लास्ट में आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको नीचे आना है, और ये जितना पोस्ट है इसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। नीचे जब आप लोग आइएगा तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक है, तो यहाँ पे सभी विषयों का आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।